नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको संस्कृत के महान कवि वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और कवि का नाम जो है मैं आपको बता देता हूं, कुंतक। जी हाँ दोस्तों, कुंतक है और इनका एक सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत। इस बारे में आपको बताऊंगा और इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका, अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है 10वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। अलग अलग मतों के हिसाब से अलग अलग है। वक्रोक्ति दो शब्द यानी वक्र और उक्ति की संधि से निर्मित शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसे उक्ति जो सामान्य से अलग हो, टेढ़ा कथन अर्थात जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो। भामह ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, उनके परवर्ती कुंतक ने वक्रोक्तियों को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। वक्रोक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा तथा प्रतिपादन का श्रेय कुंतक को है, परंतु इसकी पारंपरिक प्राचीन है। भामह के पूर्ववर्ती कवियों बाण, सुबंधु आदि में इसके संदर्भ प्राप्त होते हैं। भामह ने वक्रोक्ति का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया। उन्होंने वक्रोक्ति में शब्द और अर्थ दोनों का अंतर्भाव माना है। उन्होंने वक्रोक्ति तथा अतिशयोक्ति का समान अर्थ में प्रयोग किया। अतिशयोक्ति का अर्थ है लोकांतिक्रांत गोचरता। वक्रोक्ति को इसी कारण भामह मूल अलंकार मानते हैं। इसके बिना वाक्य काव्य न रहकर वार्ता मात्र रह जाता है। दंडीय दंडी ने भी वक्रोक्ति को भामह के समान महत्व दिया है। दंडी ने वार्डमय के दो भेद बताए हैं, स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति। दंडी ने वक्रोक्ति तथा अतिशयोक्ति को समस्त अलंकारों के मूल स्वरूप किया है। भामह और दंडी में केवल ये अंतर है कि भामह स्वाभाविकति को वक्रोक्ति की परिधि में स्वीकार करते हैं और दंडी उसे भिन्न मानते हुए वक्र कथन में कम महत्वपूर्ण समझते हैं। आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति की स्वतंत्रता व्याख्या नहीं की है, उन्होंने इसे विशिष्ट अलंकार मानकर इसके सामान्य तथा व्यापक रूप को स्वीकार किया है। आनंदवर्धन ने भामह के वक्रोक्ति संबंध महत्व को स्वीकार करते हुए अतिशयोक्ति तथा वक्रोक्ति को पर्याप्त माना है और सभी अलंकार को अतिशयोक्ति गर्भित स्वीकार किया है। अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शताब्दी ने वक्रोक्ति के सामान्य रूप को स्वीकार किया है। इनके अनुसार शब्द और अर्थ की वक्रता का आशय उनकी लोक्ति स्थिति है तथा इस लोक्ति का अर्थ अतिशय ही है। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवनम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। उन्हें वक्रोक्ति के अंतर्गत सभी काव्य सिद्धांत का समाहारक करने हुए समस्त काव्यांगों, वर्ण, चमत्कार, शब्द, सौंदर्य, विषय वस्तु की रमणीयता, अप्रस्तुति, विधान, प्रबंध, कल्पना आदि को उचित स्थान दिया है। कुंतक के अनुसार
विकृति केवल वाक् चातुर्य अथवा उचित चमत्कार नहीं है, वह कवि व्यापार अथवा कवि कौशल है। नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आधुनिक शब्दावली में इसे कालावाद कह सकते हैं। काव्य का सर्व प्रमुख तत्व कला है, इसका अर्थ ये नहीं कि किंतुक ने अपने सिद्धांत के विषय वस्तु का निषेध किया। उन्होंने काव्य वस्तु की स्वाभाविक रमणीयता को स्वीकार किया। काव्य को वस्तु के सहृदय रमणीय धर्मों को व्यक्त करना चाहिए, ये कवि प्रतिभा से संपूर्ण। इस प्रकार उनके अनुसार अंततः कवि व्यापक ही प्रमुख है। और कौन कौन से सिद्धांत से वो भी बता देता हूं मैं आपको। भारतीय काव्य सिद्धांत में रस सिद्धांत अनुभूति अथवा भावना पर आधारित है और अलंकार सिद्धांत कवि कल्पना पर आधारित है। विकृति सिद्धांत का संबंध इस दृष्टि से अलंकार सिद्धांत से है। विकृति में अलंकार के कल्पना वैचित्र को व्यापक आधार पर स्वीकार किया गया है। ये कल्पना कविनिष्ठ है, सहृदयनिष्ठ नहीं। ध्वनि तथा वक्रोक्ति का भी अंतर यही है कि ध्वनि की कल्पना सहृदयनिष्ठ है और वक्रोक्ति की कल्पना काव्यनिष्ठ है। अतः ध्वनि का दृष्टिकोण व्यक्ति परक है और वक्रोक्ति का वस्तुनिष्ठ। कुंतक ने रस को वक्रोक्ति का प्राण मानकर कल्पना के साथ भावना के महत्व को भी स्वीकार किया है। कुंतक ने रस को वक्रता का विशिष्ट अंग मानकर भी अंगीय वक्रता को ही माना है। वक्रता के बिना रस की स्थिति संभवता नहीं है, जबकि रस के बिना वक्रता की अपनी स्वतंत्रता स्थित है। कुंतक ने ऐसी स्थिति को महत्व नहीं देते हैं जहां रस विहार वक्रता को तिरस्कार योग्य माना जाता है। कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत व्यापक और समन्वयशील सिद्धांत है। इसकी उदाहरणा के मूल में अलंकार सिद्धांत की परंपरा के साथ ध्वनि सिद्धांत है। कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से संपूर्ण काव्य को स्वीकृति मिलती है। उनके सिद्धांत में बल भले ही कला पक्ष पर हो, पर उनकी व्याख्या के अंतर्गत वस्तु पक्ष तथा भाव पक्ष का पूरा समाहार है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको